आप लोगों के सामने आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसीविंग इंस्ट्रक्शन ऑन FNB सर्विस ऑपरेशन। मतलब FNB सर्विस ऑपरेशन के दौरान हम क्या क्या इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और क्या क्या रिसीव करना चाहिए, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो FNB सर्विस का जो ऑपरेशन है, मतलब खाने पीने की चीजों को सर्व करना, इस दौरान हम किन किन बातों पर ध्यान देते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए टू सर्व बेटर टू आवर गेस्ट, हम अपने गेस्ट को अच्छे तरीके से सर्व कर सकें, तो उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करने होते हैं। जैसे कि टाइमिंग ऑफ द रेस्टोरेंट, हमें रेस्टोरेंट्स के टाइमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि हम गेस्ट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सके कि हमारा रेस्टोरेंट्स के खुलने का टाइम क्या है, बंद होने का टाइम क्या है। तो इससे हमारे गेस्ट अपने हिसाब से टाइम से आ सकते हैं और उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। कभी रेस्टोरेंट बंद होने के बाद आएंगे तो उन्हें रिटर्न जाना पड़ सकता है, तो उन्हें रिटर्न जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्हें टाइमिंग के बारे में पता होगा। बट उनको बताने से पहले ये चीज हमें पता होना चाहिए कि रेस्टोरेंट्स का टाइमिंग क्या है और क्या उसका मतलब प्रॉपर टाइमिंग से क्लोज एंड ओपन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि मेन्यू नॉलेज। एक स्टीवर्ड को अच्छा मेन्यू नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अपने गेस्ट को अच्छे से सजेस्ट कर सके, हम जब उसका ऑर्डर लें तो उनको बता सकें कि उसमें कितने पीसेस आएंगे, उनका प्राइस क्या होगा और उसके साथ और क्या आता है, लाइक अकम्पनीमेंट। हमें मेनू का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा हमें जब ब्रीफिंग के दौरान कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो वो डाउट्स अपने सुपरवाइजर, मैनेजर के साथ, कैप्टन के साथ क्लियर करना चाहिए। तो वहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उससे हम अच्छा सर्विस दे पाएंगे। इसके अलावा हमें लोकेलिटी का इंफॉर्मेशन रिसीव करना चाहिए। अगर हमारे गेस्ट कभी कभी कुछ लोकल इंफॉर्मेशन भी पूछते हैं तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि वहां के लोकल में कौन सी चीजें कहां पर अवेलेबल हो सकती हैं। तो बहुत दूर की नहीं बट लोकल नियर बाई के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारा स्पेशल ऑफ द डे, हमारा जो स्पेशल ऑफ द डे होता है, अगर हमारे गेस्ट पूछे कि आज आपके यहाँ क्या स्पेशल है तो हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए हम फिर अपने मैनेजर्स के पास जा रहे हैं पूछने, तो दैट शुड नॉट बी हैपन। इसके लिए हमें ये सारे इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ बार में क्या ऑफर चल रहा है, हमारे रेस्टोरेंट में क्या ऑफर है, हमारे कॉफी शॉप में क्या ऑफर चल रहा है, तो इन सब चीजों को, ये ऑफर्स अगर हमें पता होंगे तभी हम अपने गेस्ट को बता पाएंगे कि हमारे यहाँ किस तरह के ऑफर्स अभी चल रहे हैं, और तभी हम गेस्ट को सेल प्रमोट कर सकते हैं, अपना सेल प्रमोट कर सकते हैं, हम गेस्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा गेस्ट आया है किसी और की चीज के लिए बट उन्हें अगर हम कुछ स्पेशल ऑफर्स के बारे में बताते हैं तो ही विल गो फॉर दैट एंड इट विल एड ऑन टू आवर सेल, वो हमारे सेल में एड होगा। इस तरीके से हम अप सेलिंग भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है, जैसे कि सपोज हम एक अगर रेस्टोरेंट्स में हैं तो रेस्टोरेंट्स में कौन सी चीजें कहां पर हैं, ये प्रॉपर पता होनी चाहिए। जैसे कि सपोज गेस्ट अगर पूछ रहा हो आपसे कि वॉश बेसिन कहाँ है, वेयर इज द वॉश बेसिन, वी डोंट नो, वेयर इज द टॉयलेट, वी डोंट नो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी चाहिए। हमारे यहाँ का मैनेजर कौन है, समटाइम्स पीपल यूज टू आस्क, लोग ऐसा पूछते हैं कि हु इज योर मैनेजर, कॉल द मैनेजर, इफ यू डोंट नो देन हाउ विल यू एक्सप्लेन टू द गेस्ट कि ये मेरे मैनेजर हैं या फिर जो भी चीजें हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें कहां से मिलेंगी, तो हम किसी से पूछ सकते हैं, आइदर वी कैन आस्क विद द ओल्ड स्टाफ और वी कैन आस्क विद आवर सुपरवाइजर, वी कैन आस्क विद आवर मैनेजर, या हम इसे या तो हम अपने सुपरवाइजर से पूछ सकते हैं, हम अपने मैनेजर से पूछ सकते हैं, या फिर हम अपने कलीग से पूछ करके ये सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ताकि ये FNB सर्विस ऑपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। इससे हमारे जो गेस्ट होंगे उनको हम अच्छी तरीके से सर्विस कर पाएंगे, ऑन टाइम सर्विस डिलीवरी होगी,
हमारे यहाँ अगर टेक अवे सर्विस है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि हमारे गेस्ट कॉल करके भी इस चीजों को कर सकें। तो ये सारे इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें पहले खुद इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाट हमारा टॉपिक है, रिसीविंग इंस्ट्रक्शन ऑन F&B सर्विस ऑपरेशन। मतलब F&B सर्विस ऑपरेशन के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे बुफेस टाइमिंग, व्हाट इज द टाइमिंग टू क्लोज द बुफे, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ ओपनिंग योर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, लाइक मीन्स स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के ओपन होने का टाइम क्या है, हमारा जो कॉफी शॉप के अंदर बुफे होता है बुफे का टाइमिंग्स क्या है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हैं जो कलेक्ट करने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस वी शुड रिसीव टू प्रोसीड द गुड सर्विस। मतलब हम अच्छे तरीके से अपना जो F&B का ऑपरेशन है उसको अच्छे से चला पाए, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हमारे सुपरवाइजर की तरफ से रिसीव होते हैं और हमें उसे फॉलो करना चाहिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी और आप इसको जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, ताकि आप दूसरों को मतलब हमारे गेस्ट को अच्छी सर्विस दे सकें। Thank you very much. I hope you enjoyed this video. Thank you very much.